हाय गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मनीषा के रसोई में। और मैं हूं मनीषा। गाइस, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऑयली स्किन वाले फाउंडेशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी स्किन ऑयली होता है और हमें पता नहीं होता हमें फाउंडेशन कैसे लगाना है। तो फाउंडेशन लगाने के कुछ ही मिनटों बाद, 10-15 मिनट बाद ही होता है ऐसा कि हमारा जो फाउंडेशन होता है वो काला पड़ने लगता है और हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो बस आप गाइस स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी फेस, सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद एक कॉटन की सहायता से मैंने यहाँ पर ये राइस वाटर का टोनर है ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इसको अच्छे से इस तरह से टैप कर करके अपने स्किन पे टोनर इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए, ताकि हमारे स्किन में जो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम लगाएंगे ये निविया का प्राइमर है। प्राइमर हमें थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना होता है। अच्छे से मिक्स हो गया है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन। अगर हम डे में कहीं जा रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लक्मे का लिया है 9 to 5 सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम जाएंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैंने यहाँ पर लिया है फिट मी का है, ये ऑयली स्किन के लिए ही है और इसका नंबर है 128। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले ली हूँ, इसे हम लगाएंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। तो सबसे पहले हम इस फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इस तरीके से बना लेंगे। हमें नेक पे भी जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो स्किन का अलग कलर दिखता है और नेक का कलर अलग दिखता है। उसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करना है। ब्यूटी ब्लेंडर जब भी इस्तेमाल करें इसे भिंगोकर ही इस्तेमाल करें, पानी निचोड़ कर, ड्राई कभी भी इस्तेमाल ना करें आप। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है ये। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर को लगा लेंगे। इसे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम
मिक्स हो गया ये अच्छे से। इसके बाद हमें लगाना है कॉम्पैक्ट, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है अच्छे से फिट हो जाए हमारे स्किन में। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लिया है नीविया का, बहुत अच्छा ग्लो देता है ये। इस तरीके से टैप कर करके हम लगा लेंगे कॉम्पैक्ट को। मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से मिक्स हुआ है मेरे स्किन में, आप देख सकते हैं। अब हम कंटोरिंग करेंगे, तो कंटोर को हमें अपने नाकों को पतला, इस तरीके से हम नोज़ को, इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। हमें चीक बोन पे करना है, ये चीक बोन है। और इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से सबको मिक्स कर लिया हमने। गाइस हम आईब्रोज को फिल कर लेंगे। बाद हाइड करेंगे अपने नोज को, फॉरहेड को। हम मेकअप फिक्सर लगाएंगे, ये भी मैंने नीविया का लिया है, ताकि जो हमारा मेकअप है अच्छे से फिक्स हो जाए। इसे ड्राई होने देंगे हम 5 से 10 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे, आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और स्वेट फ्री रहेगा, बिल्कुल आपको पसीना नहीं आएगा और आपका फेस। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।